नमस्कार, प्राग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। रीवा के कहरिया गांव में 3 लाख की चोरी, पुलिस ने किया मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के रीवा से चौरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कहरिया गांव में 3 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित द्वारा बताया गया कि 11 तारीख को हम लोग घर से बाहर काम के लिए गए थे, लेकिन जब घर आकर देखे तो घर का ताला टूटा पड़ा था, जिससे पीड़ित ने रीवा के चौराटा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। पीड़ित द्वारा बताया गया कि घर में 40,000 कैश, सोना चांदी के जेवरात सहित कई सामान चोरों ने पार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। संजीव वर्मा। कौन सा एरिया? ये कढ़िया गांव पड़ता है। क्या हुआ? यहाँ चोरी हो गई हमारे घर में, यहाँ कढ़िया में। हम 11 तारीख को यहाँ से चले गए थे। हमारे पापा जी जॉब करते हैं SSCL में, कोरबा में, तो चले गए थे। तो अब कल ही आए हैं, 1 तारीख को आए हैं हम लोग। तो शाम को आए हम लोग, यहाँ देखे तो ताला वाला सब टूटा फूटा है एकदम। देखा सब सामान, तो लैपटॉप वगैरह सब गायब है हमारे, दो लैपटॉप, 40,000 रुपये कैश नगद पूरा चला गया। मैं सोना चांदी जितना था सब चला गया, और जितना भी था छोटा मोटा सामान, बेबी मशीन वगैरह सब चला। कम से कम 3 लाख तक का सामान चला गया। रिपोर्ट लिख गई? हाँ, रिपोर्ट लिख गई। तहकीकात करने आए हैं सर।